तो देख रहे हैं आप यहाँ पे जाम कितना लगा और तोड़फोड़ कितना मच चुका है यहाँ पे इनके बीच। यहाँ पे होती है लैंडस्लाइड हो रही है रत्ता चंबा ब्रिज। देख रहे हैं आप कितना मलबा यहाँ पे आया हुआ है, हमने जो क्लियर किया। चलिए निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पे देख रहे हैं कितने बड़े बड़े दो बुलडोजर है, यहाँ से जल्दी बाहर निकलते हैं। कोई स्टोन भी आ सकता है ऊपर से, तो इसलिए यहाँ से जल्दी बाहर निकला था। और देख रहे कितनी हाइट बन चुकी है यहाँ पे, यहाँ पे भी है, ये भी डाल देगी हमें। शुक्रिया जनाब। ये देख रहे हैं आप यहाँ की नमकीन चाय ना, ओ वाओ माशाल्लाह, यहाँ पे चाय पीने का मजा ही कुछ हो रहा है पीर की गली में। हे वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं अभी हम जा रहे हैं यार श्रीनगर का टूर है। टूर जो हमारा है ना वो है कोई 8-10 दिन के लिए है, तो सभी फैमिली साथ में जा रही है। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोहेल भाई भी साथ है, पापा मम्मी सब साथ है। तो चलते हैं करते हैं ब्लॉग को शुरू। शुरू करने से पहले एक बात करने को, जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज दर्शकों को सब्सक्राइब कर ले, साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम कर रहे हैं धनाड़ क्रॉस। तो यहाँ पे देख रहे हैं डबल लेनी का काम तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत ही डेंजरस रोड बन गई है यहाँ पे, हमें देख के ड्राइव करनी होगी। तो देख सकते हैं आप साइडों पे ये पेड़ों की कटिंग कितनी हुई है यहाँ पे। तो फॉरेस्ट का तो बहुत ही लॉस हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमें नेचर को बचाना चाहिए, बल्कि अब रोड डबल लाइनिंग करनी थी तो उसकी वजह से पेड़ तो काटने ही पड़ गए। एक बात हो सकती है, अगर जितने ये पेड़ काटे इन्होंने कहीं और दूसरी जगह इनके बदले पेड़ लगा दे। तो यहाँ पे जो मोड़ है ना बहुत ही डेंजरस मोड़ है यहाँ पे। तो फ्रेंड देख सकते हैं अब यहाँ पे कितनी गुफा बनी हुई है और यहाँ पे कितनी कटाई हुई है रोड की। तो रोड का काम तो वैसे जारी है, तो यहाँ पे यार गाड़ी निकालना बहुत ही मुश्किल है। सो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं बुफलियाज में। तो भाई रोड की बहुत ही खस्ता हालत थी हमारे, तो लगता है 2 घंटे यहीं पे वेस्ट हो गए, क्योंकि बहुत ही आसान चलना पड़ा हमें। तो रोड की काफी खस्ता हालत है, डबल लाइनिंग का काम तो स्टार्ट है भाई। चलिए वो प्लान बन गया हमारा कि चंदी मार्ग पीनी है चाय, तो वहाँ पे है भाई देसी कुलचे झुलचे वहाँ पे मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो आ गया ये है बुफलियाज का ब्रिज, तो देख रहे हैं भाई साहब ये आ गया बुफलियाज ब्रिज। वाओ बुफलियाज ब्रिज हो चुका है क्रॉस यहाँ पे। तो जट प्रूफ जो था वो इस साइड से आया था, थैंक्स टू अल्लाह, क्योंकि हम अभी हाईवे पे पहुंच चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ अल्लाह का शुक्र है हमारा सफर अच्छा बना रहे। तो भाई साहब देख रहे हैं अब ये है रोड भाई, अभी तो हमने बुफलियाज क्रॉस किया तो रोड बड़ी मस्त है यहाँ पे, ऐसी बनी रही तो बहुत ही अच्छी बात थी। तो यहाँ पे देख रहे हैं अब ये स्टोन पे बहुत ही पुराना यहाँ पे इंडिया का मैप बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप भाई, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप। आगे आपको बताते हैं पहाड़ गाड़ के बीच में से रास्ता बनाया हुआ है, हाईवे निकाली हुई है देख रहे हैं आप, और गुफा टाइप बनाया हुआ है। तो ये देख रहे हैं आप ये है वो गुफा भाई साहब। तो फिर हम पहुंच चुके हैं चंदीमाड़ में, तो ये है चंदीमाड़ का एरिया, यहाँ पे रुकते हैं भाई डिपिन चाय करते हैं एंजॉय। और हमने यहाँ पे ले लिया एक ब्रेक चंदीमाड़ में, तो यहाँ पे हम करते हैं लिप्टन चाय एंजॉय। पापा जी को लिप्टन चाय चाहिए थी, तो फिर हम करेंगे अपनी जो ड्राइव फिर स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम चंदीमाड़ से निकल चुके हैं। तो ये फ्रेंड्स पुनौर ब्रिज, तो बाइकर्स है यहाँ पे रुक चुके हैं और ये देख रहे हैं आप यहाँ पे रुक चुके बाइकर्स। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं डुगरा में रुके हैं, तो यहाँ पे मैं वहाँ पे गैलन छोड़ के आया हूँ पानी के लिए। तो ये देख रहे हैं पापा जी यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं, शूटिंग मस्त शूटिंग कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं अब यहाँ पे शूटिंग हो रही है, जीती फैमिली है सभी बीच में बैठे हैं, सोहेल ये बैठे हैं, सोहेल को ठंड लग रही है, सोहेल ठंड लग रही है, सोहेल ने बंद कर दिया यार, सोहेल को लग रही है ठंड। तो मैंने यहाँ पे यार अपना जो केन है ना वो लगाया यहाँ पे, तो पानी भर रहे हो तो फिर थोड़ा सा पानी भी जरूरी है, क्योंकि ऊपर वाला पानी नहीं भर सकते, अगर वो ना मीन्स स्नो पिघल के आती है तो वो पियेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया भाई साहब, तो यहाँ पे ये गैलन लगाई है, ये देख रहे हैं आप, तो इससे पानी भर रहे हैं, तो ये पानी लेके चलेंगे साथ में। व्यू यहाँ का देख रहे भाई साहब, तो हमारी कार वहाँ पे पार की है पहाड़ी वाली मिस्टेस को कहेंगे। तो यहाँ पे कितनी पड़ चुकी है धुंध, तो भाई साहब ये कैसे उठ रही है धुंध भाई। तो ये देख रहे हैं आप ये जो व्यू है ना ये बहुत ही डेंजर व्यू है, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा हो रही थी पिछले दिनों में। ये पापा जी ये रत्ता चंबा ये होती है लैंडस्लाइड बहुत ही ज्यादा, तो देखते हैं कितनी लैंडस्लाइड होती है यहाँ पे। ओ अभी भी यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है, तो फ्रेंड देख सकते हैं अब यहाँ पे ये है रत्ता चंबा ब्रिज, तो यहाँ पे ना कितनी यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है। तो अभी गाड़ियों का लगा यहाँ पे जाम, तो बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हुई है, हम यहीं पे गाड़ी पार करेंगे और यहाँ पे थोड़ी सी करेंगे वीडियो शूट यहाँ की।
तो देख रहे हैं आप यहाँ पे गाड़ियों का कितना जाम लगा हुआ है, और फिर से यहाँ पे होगी लेट स्लाइड, तो जितने बुलडोजर है यहाँ पे वो मलबा हटा रहे हैं यहाँ पे। तो ये है हमारे शार्क भाई, छोटा बेबी। हेलो, पहचान लिया पहचान। तो ये है हमारे साथ शारिक भाई हैं, ये है देसी क्लब के भाई, इनने कभी देसी क्लब किया था ज्वाइन, व्लॉगर थे ये भी, तो आइए बेचारे क्या करें, तो घर की जिम्मेवारी सभी इन पे ही है, तो ये चलाते हैं स्कॉर्पियो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है भाई। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों शेयर करें। बाय बाय, बाय बाय नहीं किया, बाय बाय नहीं किया, ओके ओके। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे जाम कितना लगा और तड़फड़ कितना मच चुका है यहाँ पे इनके बीच। यहाँ पे होती है लैंड स्लाइड हो रही है रत्ता चंबा ब्रिज, तो यहाँ पे इन्होंने अभी क्लियर किया ना, ये देख सकते हैं आप, और देख रहे हैं आप कितना मलबा यहाँ पे आया हुआ है इन्होंने जो क्लियर किया। चलिए निकलते हैं यहाँ से, यहाँ पे देख रहे हैं कितने बड़े बड़े दो बुलडोजर है, यहाँ से जल्दी बाहर निकलते हैं, कोई स्टोन भी आ सकता है ऊपर से, तो इसलिए यहाँ से जल्दी बाहर निकला था। और देख रहे हैं कितनी हाइट बन चुकी है यहाँ पे, तो देख रहे हैं आप कितना जाम लगा, थैंक्स टू अल्लाह हम निकला है जाम से, काफी देर वेट करना पड़ गया, तो यहाँ पे टाइम भी चेंज हो जाता है। तो भाई साहब ये है मानसर मोड़, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप लैंड स्लाइड होने की वजह से ना, एक तो इसलिए लगा यहाँ पे जाम। तो ये देख रहे आप भाई यहाँ पे है ग्लेशियर, ये देख रहे हैं आप ग्लेशियर क्या 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 बना रहे भाई। तो अभी हम पीर गली के पास ही हैं, तो यहाँ पे हो रही है कितनी यहाँ पे धुंध पड़ी हुई है, पहुंच चुके हैं टॉप पे पीर की गली, वेलकम टू पीर की गली। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप यहाँ पे गाड़ियां कितनी लगी हुई है, और यहाँ पे ठंड भी होगी यार बहुत ज्यादा, नमकीन चाय एंजॉय करेंगे, इसको हम कहेंगे पीर की गली। यहाँ पे रश तो बहुत ही ज्यादा है, यहाँ पे भी जाम लगाया हुआ है इन्होंने। चलिए हमने यहाँ पे कर लिया कार, अभी हम रुके यहाँ पे पीर की गली में, तो ये देखो ये हमारा छुंदर है ना, ये अकेला पड़ गया, ये क्या करता है, क्या कर रहा है अकेला, हंस रहा छोटू बेबी, हंस रहा छोटू बेबी, ये देख रहे छोटू बेबी अंदर है, ठीक है। तो पापा जी वो ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये है पीर की गली का व्यू, तो ये है टॉप का एरिया, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो पीछे है ज़ियारत वहाँ पे है, अभी मैं भी जाऊँगा वहाँ पे ज़ियारत करने के लिए, तो उसके बाद फिर चलेंगे हम आगे। तो छुंदर जो है ना वो बहुत ही नॉटी हो चुका है, शॉर्टे करता है, ये लो ये देख रहे हैं ये शॉर्टे कर रहा है, ये बहुत ही शॉर्टी हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ना रश है, तो चलते हैं यहाँ की चाय करते हैं इंजॉय। तो यहाँ पे यार टूरिस्ट इतने आ रहे हैं ना, क्या बताएं आपको, कुछ आए हैं पुंछ से, तो कुछ आए हैं कश्मीर के, लोकल तो यहाँ पे बिजनेस करते थे, बट जो है ना आउट ऑफ स्टेट से भी आए हुए, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे आउट ऑफ स्टेट से भी आ रहे हैं यहाँ पे बिजनेस करने के लिए। ये प्याली भाई, तो यहाँ कहीं से मिलेगी चाय, नमकीन चाय, राशि बहुत ज्यादा यहाँ पे, वो यहाँ पे भी है, ये भी डाल देगी हमें, शुक्रिया जनाब। ये देख रहे हैं आप यहाँ की नमकीन चाय ना, और कितनी यहाँ पे गाड़ी हो चुकी है। सत्तू कहाँ से मिलते हैं, तो यहाँ से मिलते हैं सत्तू, एक ही चम्मच स्पून देते हैं, तो इधर ही बैठ के कहीं भी पीते हैं। तो ये देख रहे हैं आप ये है नमकीन चाय, मैंने सत्तू डलवा ली है, तो करते हैं इंजॉय, देखते हैं नमक भी है या नहीं। ओ वाओ माशाल्लाह, यहाँ पे चाय पीने का मजा ही कुछ हो रहा है पीर की गली में। तो पहले तो इतनी डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं होती थी, अब ये हाल है यहाँ का पीर गली का। आपको कोई भी चीज चाहिए ना, कोई भी चीज चाहिए तो सब मिल जाएगी यहाँ से। चलिए बढ़ते फिर आगे, और देख रहे हैं अब यार कितने यहाँ पे स्टॉक लगे हुए, पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था यार, अच्छी बात है क्योंकि ना हर एक को खाने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल जाता है। अब अगर आप घर से भी ना लेकर आए तब भी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाएगा,